हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडीज किचन। मैं हूँ प्रियंका और आज हम लोग बनाएंगे एप्पल बनाना ओटमील। एप्पल बनाना ओटमील बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आज मैं इसे इंस्टेंट पॉट में बनाऊंगी। अगर आपके पास इंस्टेंट पॉट अवेलेबल ना हो तो आप इसे रेगुलर सॉस पैन में भी बना सकते हो। तो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट रेसिपी की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। एप्पल बनाना ओटमील बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप रोल्ड ओट्स, डेढ़ कप दूध। दूध मैंने यहाँ लो फैट यूज़ किया है, आप इसकी जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आधा कप एप्पल ऐसे चॉप कर ले लें, दो बनाना स्लाइस करी हुई, एक बड़ा चम्मच स्ट्रॉबेरी जैम, इसकी जगह आप कोई भी फ्रूट जैम यहाँ यूज़ कर सकते हो, एक बड़ा चम्मच पीनट बटर, पांच से छह चीकू स्लाइस करी हुई, चीकू की जगह आप कोई भी फ्रूट यहाँ यूज़ कर सकते हो, एक बड़ा चम्मच अखरोट ऐसे रफली चॉप करे हुए और पांच से छह स्ट्रॉबेरी ऐसे स्लाइस करी हुई। तो आइए इसे बनाने का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हम इंस्टेंट पॉट में ओट्स डाल देंगे। ओट्स डालते ही हम इसमें डेढ़ कप दूध डाल देंगे। दूध से ओट्स का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है और अगर आप बहुत ही हेल्दी प्रेफर करते हो तो आप इसे पानी में भी बना सकते हो। इसी के साथ हम इसमें चॉप करे हुए एप्पल्स डाल देंगे और साथ ही जो बनाना हमने स्लाइस कर ली थी वो भी डाल देंगे और थोड़े से हम लोग अलग रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। इसे अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इंस्टेंट पॉट का लिड लगाकर इसे बंद कर देंगे। नॉब को सीलिंग मोड में डाल दें और इसे ओटमील मोड पर लगभग 10 मिनट तक हम लोग इसे पकाएंगे। 10 मिनट बाद हमारा ओटमील बनकर तैयार हो जाएगा। 10 मिनट हो चुके, अब हम लोग प्रेशर मैन्युअली रिलीज कर लेते हैं और इंस्टेंट पॉट का जो लिड है उसे अब हम ओपन कर लेते हैं। जी हाँ, हमारा बनाना ओटमील बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ये ठीक लगता है आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसे मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लूंगी और अब हम इसका गार्निशिंग के लिए सबसे पहले बनाना स्लाइसेस यहाँ पर लगा लेती हूँ। आप कोई भी फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपको पसंद होगा। इसी के साथ हम इसमें पांच से छह जो हमने चीकू स्लाइस करके ली थी वो भी ले लेंगे, एक चम्मच स्ट्रॉबेरी जैम, एक चम्मच पीनट बटर। पीनट बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़े से स्ट्रॉबेरी ऐसे स्लाइस करे हुए, ये दिखने में ही बहुत यम्मी है। लास्टली हम लोग इसमें वॉलनट स्प्रिंकल कर लेंगे। एप्पल बनाना ओटमील बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।